Hello students, myself Iti Vijay from DPC Bara. Electronics third year subject 302 के अंतर्गत आज हम addressing modes पढ़ेंगे. Unit 1 का topic 1.3 है addressing modes. इसका एक part मैं पहले के lecture में दे चुकी हूँ. आज हम second part लेंगे. ये बहुत important है आपके लिए ताकि आप programming सीख सकें 8086 की. इससे पहले हम तीन mode देख चुके हैं, immediate mode, direct addressing and register addressing. आठ मोड्स हैं, उसमें से तीन कवर हो चुके हैं. अब देखते हैं हम नेक्स्ट. चौथा है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब देखिए इसके नाम में क्या क्या आ रहा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट. तो रजिस्टर भी है लेकिन जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वह ऑपरेंड नहीं, वह ऑपरेंड को कोई ना कोई कोई क्लू है उसकी, है ना. तो इनडायरेक्टली उससे एड्रेस कैलकुलेट होगा. तो होता क्या है कि एक ऑफसेट उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ होता है, वह चीज हमें किसी और में एड्रेस में ऐड करनी है, तब जाके हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा. एग्जांपल देखिए, मूव ax कॉमा di. तो जो di है वो आपका, ये समझ लीजिए डेस्टिनेशन इंडेक्स है. वो यहां पे क्या करेगा, किसी सेगमेंट के अंदर इस डेस्टिनेशन इंडेक्स को ऐड करेगा, उसको ऐड करने से एड्रेस मिलेगा. तो यह आपका di के अंदर लिखा हुआ है. ऐसे ही al कॉमा bx. अब bx के आगे क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट. हमने bx साधारण रूप से नहीं लिखा हुआ है, हमने bx को किसके साथ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से. यानी कि bx स्वयं 16 बिट का ऑपरेंड नहीं है, bx एक 16 बिट का एड्रेस स्टोर किए हुए है, उस एड्रेस पर जाकर हमें ऑपरेंड मिलेगा. ऐसे ही आगे एग्जाम्पल है, मूव ax कॉमा si, लेकिन si किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स में. तो यानी कि si में जो है, si स्वयं ऑपरेंड नहीं है, si में जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर ऑपरेंड का एड्रेस है. ओके, ये इस तरह से है. एनालॉगसली मैं आपको एनालॉगी समझाऊं कि आपसे कोई आके पूछे कि फला क ख ग कौन से घर में रहता है और आप उसे घर का नंबर नहीं बताएं, लेकिन आप बताएं कि आप घर नंबर 11 में जाइए, वहां जो व्यक्ति है वो आपको इस व्यक्ति का एड्रेस बता देगा. तो आपने डायरेक्टली एड्रेस नहीं बताया, उसका एड्रेस कहां मिलेगा, उस जगह का नाम बताया है. इस तरह से चित्र के माध्यम से समझे हम इसे. इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, एक ऑपकोड और एक आरएक्स, यानी कि एक रजिस्टर का नाम लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में. हम उस रजिस्टर के ऊपर जाएंगे क्योंकि इस रजिस्टर के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये रजिस्टर पक्की तौर पर 16 बिट वाला ही यूज होगा, कोई 8 बिट यूज नहीं होगा, कंप्लीट पेयर यूज होगा, पूरे के पूरे 16 बिट यूज होंगे. इस रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है, मेमोरी के उस एड्रेस पर ऑपरेंड दिया हुआ है. वापस से समझे, इंस्ट्रक्शन के अंदर आर एक्स नाम का एक कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे जाएंगे, उस रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है मेमोरी के उस एड्रेस से ऑपरेंड को लेके आएंगे. यह हुआ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट है आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. इसके अंदर आपका जो ऑफसेट है ऑपरेंड का, वो किसी ना किसी इंडेक्स रजिस्टर में विद्यमान रहता है. अब इंडेक्स रजिस्टर में लिखा हुआ है ये तो पहले भी था, अभी जो हमने रजिस्टर वाला देखा, इसमें डिफॉल्ट सेगमेंट भी आपका डेटा सेगमेंट डीएस है, ओके, एंड आपके ईएस है. लेकिन आपको करना क्या है, इफेक्टिव एड्रेस दो चीजों से कैलकुलेट होगा, इंडेक्स रजिस्टर तो है ही सही और एक डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तो आप एग्जांपल में देखिए कि जैसा इससे पहले चौथे मोड में हमने किया था, तो उसमें तो लिखा होता है ax कॉमा si स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन अब हमने लिखा है ax कॉमा si प्लस 2000. तो si में तो एड्रेस है ही सही एक, उसके अलावा एक डिस्प्लेसमेंट और है. तो पहले उस एड्रेस पे जाएंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे, फिर इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा और तब हमें एक्चुअल एड्रेस मिलेगा ऑपरेंड का. तो अब देखिए, चाहे al हो या ax हो, आपकी al या ax से तो पता चलता है कि 16 बिट का ऑपरेशन है या 8 बिट का ऑपरेशन है, लेकिन जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में है. ये रजिस्टर अनिवार्य रूप से si या di ही होंगे, इसलिए इसका नाम इंडेक्स्ड मोड रखा गया है, क्योंकि सेगमेंट इंडेक्स एंड डेटा इंडेक्स, ये जो दोनों रजिस्टर है si एंड di, सिर्फ यही दो रजिस्टर काम में आएंगे और एक ऑफसेट लिया जाएगा. चित्र के माध्यम से इसे वापस से समझे हम.
ऑपकोड तो वैसा ही दिख रहा है, ऑपकोड है और एक रजिस्टर दिया हुआ है आपको, 16 बिट का रजिस्टर नेम दिया हुआ है SI या DI का। लेकिन आपको करना क्या है कि उस इंडेक्स रजिस्टर में जाना है। ये हर कोई रजिस्टर में CX, BX या DX नहीं लिख सकते हैं, हम SI या DI ही लिखना होगा और उसके अंदर उसका ऑफसेट भी ऐड होएगा और उसके बाद ही आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा।